नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजस्थान की खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। राजस्थान पहुंची गुजरात राज्यसभा चुनाव की गहमा गहमी। कांग्रेस के 21 विधायक रिजॉर्ट में, बीजेपी पर लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। राज्य में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण, आज आए 97 के सामने। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, राज्य में रोज हो रहे हैं 25,000 टेस्ट। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र विक्रांत की मौत पर हरकत में सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई जांच को लेकर राजस्थान सरकार को नोटिस। गुजरात की राजनीति में आजकल उथल पुथल है। कांग्रेस ने रविवार को गुजरात के अपने 21 विधायकों को राजस्थान के आबू रोड पर एक रिजॉर्ट पर भेज दिया और आरोप लगाया कि 4 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी खरीद फरोख्त में लगी है। गुजरात में कांग्रेस के 3 विधायकों के इस्तीफे के बाद पार्टी ने इससे पहले अपने विधायकों को राजकोट, बनासकांठा के अंबाजी और आनंद के 3 रिजॉर्ट्स में भेज दिया था। हालांकि राजकोट जिले के एक रिजॉर्ट के खिलाफ लॉकडाउन के नियमों के कथित उल्लंघन के केस में रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। तो राजस्थान में पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायक, उन्हें एक रिजॉर्ट में रखा गया है क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से कोशिश हो रही है हॉर्स ट्रेडिंग की, जो आरोप कांग्रेस ने लगाया है, उसके बाद विधायकों को तोड़ने का खतरा बढ़ चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा, सीधे जयपुर से। संजय जी, ये जो रिजॉर्ट में लाए गए हैं कांग्रेस के विधायक, उनको लेकर किस तरह की सतर्कता कांग्रेस में देखी जा रही है और क्या कहा जा रहा है? देखिए, ये पहली बात नहीं है कि राज्य के विधायक यहाँ पर आए हो। इस बार ये कांग्रेस के विधायक हैं, पहले बीजेपी भी अपने विधायक लाती रही है। जब भी उसको, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, या महाराष्ट्र में या कर्नाटका में, तो बीजेपी भी ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स जो यूज करती है, तो उसके लिए राजस्थान में उसकी जब जब सरकार रही है तो उसने इसको इस्तेमाल किया है। ये जो 22 विधायक आए हैं, इनको फिलहाल तो ये सिरोही में है, लेकिन हो सकता है कि बाद में इनको उदयपुर ले जाया जाए, जैसा कि पिछली बार हुआ था। पिछली बार चूंकि संख्या ज़्यादा थी, इसलिए कुछ लोगों को जयपुर रखा गया था और कुछ लोगों को उदयपुर में। और ये माना जा रहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछली बार भी, उन्होंने तमाम जो अपने सहयोगी थे पार्टी में और सरकार में, उनको इनकी खातिरदारी और निगरानी में लगाया था और बड़ी मुस्तैदी के साथ वो मॉनिटरिंग करते हैं। वो खुद लगातार रोजाना जाकर के, जब जयपुर में थे तो इन विधायकों से जाकर मिलते थे। तो इसलिए माना जा रहा है कि राजस्थान सबसे सुरक्षित स्थान लग रहा है कांग्रेस को, जहां से कि इन विधायकों को पोच नहीं किया जा सकता। संजय जी, ये जो पूरी कोशिश हो रही है खासतौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त की, उसमें राजस्थान को काफ़ी सुरक्षित माना जा रहा है, पहले भी माना गया था, और ख़ास तौर पर जब मुख्यमंत्री वहाँ पर अशोक गहलोत हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, किस तरह की रणनीति कांग्रेस की आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की सबसे पहली प्राथमिकता तो यही होगी कि इन विधायकों का किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क ना हो पाए, क्योंकि एक बार यदि संपर्क होता है तो उसके बाद विधायकों को डावाडोल होने में समय नहीं लगता है। और इसलिए सबसे बड़ी कोशिश तो यही है कि इनका किसी से संपर्क बाहरी व्यक्ति से ना हो पाए। और आमतौर पर ऐसे में इन लोगों से फ़ोन वगैरह जो हैं वो इनके, वो डिस्कनेक्ट करवा दिए जाते हैं, और ये सबसे बड़ा काम है। दूसरा, इनको हो सकता है कि अभी तो उदयपुर में रख रहे हैं इनको, बाद में अगर और विधायक आते हैं, या इनको ही जयपुर में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि अभी समय है 10-12 दिन का राज्यसभा चुनाव में, तो इतने समय तक इनको लगता है कि, क्योंकि उदयपुर और सिरोही गुजरात से लगता हुआ इलाका है, तो वहाँ पे कांग्रेस को खतरा महसूस हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि और सुरक्षित करने के लिए इनको जयपुर ले आया जाए। इनके साथ अमित चावड़ा है, जो कि गुजरात के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उम्मीद की जा रही है कि बाद में जो शक्ति सिंह गोहिल, भरत सिंह सोलंकी भी आ जाएं, केसी वेणुगोपाल इनके साथ देखे गए हैं। तो कुल मिला के जिस समय कोरोना पूरे देश पे छाया हुआ है, गुजरात में भी बहुत संकट है, राजस्थान में भी है, उस समय विधायकों की खरीद फरोख्त का पूरा सिलसिला बना हुआ है,
ये क्या, किस तरह से इस राजनीति की व्याख्या की जानी चाहिए? संजय जी, आप लंबे समय से देखते रहे, क्या इस समय ये सब करना कहीं से भी राजनीति की प्रतिष्ठा और भारतीय लोकतंत्र के सम्मान में जरा सा भी इजाफा करेगा, या कहीं इतिहास में काला धब्बा भी इससे जुड़ेगा? पंकज, आपने जो कहा है उसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। लोकतंत्र की प्रतिष्ठा तो बढ़ ही नहीं सकती। हम भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करें बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में देखा है कि जब कोरोना का संकट था उस समय जो केंद्र सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स थे, रूल्स थे, उन सबको धता बताते हुए किस तरह शिवराज सिंह चौहान और उनके समर्थकों को हमने देखा था जश्न मनाते हुए। तो इस समय ध्यान जब सब तमाम सरकारों का होना चाहिए कि कोरोना से किस तरह लड़ा जाए, उस वक्त उनका ध्यान बटाया जा रहा है इस तरफ। एक इसमें लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि आखिर ये विधायक, ये इनके ऊपर भी हमको देखना चाहिए कि आपकी पार्टी की लॉयल्टी की बात नहीं है, लेकिन आपकी एक वैचारिक प्रतिबद्धता जिसकी हमेशा चर्चा करते हैं, वो आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता कितनी है। बीजेपी इनको कोच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आखिर ये विधायक इतने कच्चे क्यों हैं, और अगर ये विधायक इतने कच्चे हैं तो कांग्रेस इनको कितना दिन तक साथ रख पाएगी, और क्या ऐसे लोगों को साथ रखना चाहिए? क्योंकि कहीं भी किसी भी राज्य का मसला हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और यहाँ तक कि राजस्थान में भी, तो ऐसे हालात ही क्यों बनते हैं? और सबसे बड़ा सवाल फिर आता है जनता के ऊपर कि जब ये विधायक किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत के आते हैं, जनता इसको उस पार्टी के लिए वोट देती है, तो बाद में जब ये इस्तीफा के बाद चुनाव लड़ने आते हैं तो जनता इनको हराती क्यों नहीं है? बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है जो आपने उठाया कि आखिर राजनीतिक प्रतिबद्धता, अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता का क्या मोल रह गया है जब ये माना जाता है कि कभी भी ये बिक सकते हैं। आप बने रहिए संजय जी हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बात करेंगे। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की चौसर बिछ गई है। 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार चुनावी समर में उतरे हैं, 2 बीजेपी से और 2 कांग्रेस से। तीसरी सीट के लिए रोमांचक जंग के आसार हैं। वोट का गणित कांग्रेस के पक्ष में है। करीब 122 से 125 वोट कांग्रेस खेमे में माने जा रहे हैं। संजय जी, राजस्थान में कांग्रेस ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है और वहां पर चुनाव हो रहा है, 4 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, आखिर क्या गणित बन रही है? देखिए पंकज जी, राजस्थान में तो कांग्रेस को बहुत आराम से 2 सीटें जीतनी चाहिए, क्योंकि 200 सदस्यों की विधानसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 51 वोट चाहिए। कांग्रेस के पास पहले 102 वोट थे, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके बाद बीएसपी का कांग्रेस में मर्जर हो गया, तो कांग्रेस के पास अब 107 तो खुद के विधायक हो गए हैं। उसके अलावा उसके पास आरएलपी का एक वोट है, जो कि उनके सदस्य मंत्रिमंडल में, गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में है। और निर्दलीय भी जो ज्यादातर है वो कांग्रेसी विचारधारा के हैं। कम्युनिस्ट पार्टी आप जानते हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकती। तो ये लग रहा था कि बहुत आसानी से चुनाव हो जाएगा। बीजेपी के पास क्योंकि 73 सदस्य हैं, तो वो एक उसका एक सदस्य चुन जाएगा और कांग्रेस के 2। लेकिन बीजेपी ने क्या किया कि एन वक्त में 4था उम्मीदवार भी उतार दिया। उसकी गणित यह है कि 73 में से 51 सदस्य अपने प्रथम उम्मीदवार को देने के बाद उसके पास 22 बचते हैं, और बाकी निर्दलीय विधायक हो जाए और फिर वो कांग्रेस में तोड़फोड़ की कोशिश करे। यानी कि एक ऐसे राज्य में जहां पे कि दूर दूर तक उसके 34वें दूसरे उम्मीदवार के जीतने की संभावना नहीं है, वहां पे भी उसने एक हलचल पैदा कर दी। ये एक तरह का मतलब उसने राजनीतिक खेल खेला कांग्रेस के खेमे में, ताकि कांग्रेस का ध्यान बढ़ जाए, वो गुजरात के साथ साथ राजस्थान पर भी अपनी सारी कवायद लगाए। और इस तरह का जो ये जो आपने जो कहा था कि ये जो खेल जिस तरह का खेला जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए कितना की प्रतिष्ठा को बनाए रखता है, नहीं, ये मतलब मैं गुजरात में मध्य प्रदेश में समझ सकता था जहाँ पे कि बहुत आपके पास 4 या 5 विधायकों का अंतर था, लेकिन राजस्थान में जहाँ पे कि आपके पास दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, वहाँ पे उम्मीदवार खड़ा करना साफ जताता है कि बीजेपी किस तरह की पॉलिटिक्स खेल रही है। एक बड़ी राजनीति में और इतिहास में कहावत चलती है रोम को लेकर कि जब रोम चल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। हो सकता है इतिहास में आगे लिखा जाए कि जब भारत कोरोना से बुरी तरह प्रभावित था, लोगों की जान जा रही थी, तब यहां विधायक तोड़े जा रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस सारी बातचीत के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बूथ जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने आमेर स्थित शिला मंदिर से इस अभियान की शुरुआत की। बूथ संपर्क अभियान, इसकी शुरुआत हम लोगों ने करी है पूरे राजस्थान भर में आज से, और 8 से 14 तक ये पूरे राजस्थान भर में ये कार्यक्रम रहेगा।
न्यूनतम 50 से 100 घरों तक मोदी जी का पत्र जो उन्होंने लिखा है हिंदुस्तान के सब देशवासियों को, वो पत्र लेके जाएंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं संजय बोहरा जी, उनसे बात करते हैं। संजय जी, इस समय लोगों को घर में रहने की नसीहत दी जा रही थी लगातार और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाना, ये कितना मतलब समझदारी का फैसला है? पंकज जी, एक आपने कहा कि मैं भी ये कहा बताता हूँ कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लेकिन कुछ लोग सम पीपल आर मोर इक्वल। तो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में यही है कि जो कायदे कानून दूसरों के लिए बनते हैं वो उसके लिए लागू नहीं होते हैं। आज से मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन पहले हमने एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ सामान लोगों को दे रही, कुछ लोगों को रवाना कर रही है हरिद्वार के लिए, और उस वक्त आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकदम सड़क पे, कोई मास्क पहने हुए नहीं है, सब एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की जिसको लेकर के वो आज शिकायत की है, उसने कांग्रेस के जो विधायक आए हैं वहाँ पर सिरोही में, ये खुद इन्होंने नियमों का कितना पालन किया है ये आप देख सकते हैं। अब ये दो सदस्य, जब हम बात कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के घर बेवजह ना जाए, एक व्यक्ति अपने मित्र से ना मिले, अपने घर परिवार जो एक ही शहर में रहते हैं वहाँ पर ना जाए, ऐसे में आप अपने दो दो कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं, क्या आप उनका चेक करवा रहे हैं कि वो उनको सिम्टम्स हैं या नहीं है, और आप सारे तमाम लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। 25 लाख लोगों घरों तक पहुंचने का ये उनका दावा है और दो दो कार्यकर्ता जाएंगे, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खतरा होगा इसमें। बिल्कुल, तो समझता कि कोई समझदारी की बात है। बिल्कुल, एक बड़ा खतरा है और हमने देखा है कि लंबे समय तक तमाम नेता बाहर नहीं निकले और शायद यही तरीका भी था, लेकिन अब समय के साथ साथ ऐसा लगता है कि राजनीतिक जो मसले हैं, जो जोश है, वो खतरनाक तरीके से जोखिम पैदा कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस बातचीत के लिए, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे स्वराज राजस्थान में। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे, ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-2672। ब्रेक के बाद राजस्थान, स्वराज राजस्थान में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान में आज से सभी तरह के होटल, क्लब और शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं। आज पहले दिन कई शॉपिंग मॉल्स पर लोगों की चहल पहल देखने को मिली। राज्य में 3 महीने बाद मॉल और होटल्स खुले, इसके बाद मालिकों के चेहरे पर थोड़ी रौनक आई। हालांकि सरकार की ओर से कुछ शर्तों का पालन जरूरी किया गया है, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही एंट्री जैसी शर्तें रखी गई। रामस्वरूप लामरोड हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जयपुर से। रामस्वरूप, आज जब अनलॉक 1 शुरू हुआ, मॉल्स खुले हैं, तो जनता की ओर से कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, आज पहले दिन हमने देखा जयपुर के विभिन्न मॉल में घूम करके, वहाँ पर लोगों की चहल पहल है वो शुरू हो गई है। सभी तरह की जो सावधानियाँ होती है वो वहाँ पर बरती जा रही है, यानी जिस तरह से
सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज किया जाना चाहिए, उस तरह की तमाम जो हिदायतें दी गई है, शर्तें लागू की गई है, उन सभी का पालना हमने देखी है। और जहाँ तक बात करें व्यापार की, बाज़ार की, तो शॉपिंग मॉल्स में जो बाज़ार हैं वहाँ पर हमने देखा कि लोगों की आवाजाही जो है वो सामान्य दिनों की तुलना में काफ़ी कम थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि पहला दिन था इसलिए मूवमेंट शुरू हुआ है, धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। इन मॉल्स के साथ ही होटल्स ने भी आज, होटल्स और क्लब वो भी आज से खोल दिए गए हैं। हालांकि होटलों को खोल भले ही दिया गया हो, लेकिन होटलों में अभी तक लोगों का मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है, आवक नहीं हुई है। मैं अभी एक होटल के बाहर खड़ा हूँ, अंदर जाके देखता हूँ इंतज़ाम क्या है, लेकिन यहाँ पर ग्राहकों की तो खुल गए हैं मॉल और लोगों को काफ़ी एहतियात के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। राजस्थान में सोमवार को 97 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इनमें अलवर में 58, कोटा में 12, डूंगरपुर में 6, जयपुर और भरतपुर में 4-4, सिरोही और बांसवाड़ा में 3-3, पाली, झालावाड़ और बूंदी में 2-2, 12 में 1 संक्रमित मिला। इसके साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10,696 तक पहुँच गया। इधर डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि राज्य में रोज 25,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। जो लक्ष्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिदिन जांच क्षमता का दिया था चिकित्सा विभाग को 25,000 टेस्ट पर डे करने का, आज राजस्थान की टेस्टिंग क्षमता 25,150 टेस्ट पर डे करने की हो गई है। सब लोगों के सहयोग से आज राजस्थान के हर पैरामीटर को, चाहे नेशनल इंडेक्स देख लो 10 बड़े राज्यों का, उसमें भी हमारी चाहे एक्टिव केसेस की दर हो, हमारी रिकवरी का परसेंटेज हो, चाहे मोर्टिलिटी रेट हो, हर स्थिति पर राजस्थान टॉप राज्यों में शुमार हो रहा है आज। रघु शर्मा यानी राजस्थान के चिकित्सा और कल्याण मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जोधपुर स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र विक्रांत नागाइच की मौत के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की सीबीआई से जांच को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि विक्रांत की 14 अगस्त 2017 को रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी, जिसकी जाँच राज्य की पुलिस कर रही है, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी जाँच आगे नहीं बढ़ी, जिसे देखते हुए मृतक की माँ सीबीआई जाँच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और याचिका दाखिल की। विक्रांत का शव विश्वविद्यालय के सामने रेल की पटरी पर मिला था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सुनील फर्नांडिस की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वो पहले राज्य सरकार का पक्ष जानना चाहेगी कि छात्र की मौत के 3 साल बाद भी आखिर जांच में प्रगति क्यों नहीं हुई। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे साथ गोपाल कृष्ण। गोपाल, ये जो मामला है इसमें सीबीआई जांच की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया है? देखिए, जो मृतका की मां है उसको अब लग रहा है कि राज्य सरकार से न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 साल हो गए हैं अभी तक उससे कोई जो जांच चल रही है वो सही दिशा में उसके मुताबिक नहीं चल रही है। यही कारण है कि उसने देश की सबसे बड़ी अदालत में एक गुहार लगाई है और कहा है कि इस मामले को राज्य सरकार से उठा करके सीबीआई को सौंप दिया जाए और सीबीआई इस मामले की जांच करे ताकि सच्चाई का पता चल सके कि आखिर उसकी हत्या की गई है या उसने आत्महत्या की है। इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और सीबीआई दोनों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए गोपाल कृष्ण। राजस्थान हाईकोर्ट ने 50 से ज़्यादा कृषि पर्यवेक्षकों के तबादले पर रोक लगाने से इनकार किया है। दरअसल राजस्थान में टिड्डी दल के प्रकोप से बचाव के लिए कृषि पर्यवेक्षकों का तबादला किया गया था। सरकार के फैसले को कृषि पर्यवेक्षकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस पंकज भंडारी ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में टिड्डी दल के हमले से किसानों की फसलों को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ऐसे में राज्य सरकार चाहे तो आपको दक्षिण अफ्रीका भी भेज सकती है। टिड्डी दल का प्रकोप राजस्थान में लंबे समय से जारी है। लोगों के पास कोई उपाय नहीं बचता है जब ये दल आक्रमण करता है। किलोमीटर से किलोमीटर दूर तक फैले जो उपज और फसलें हैं उसको ये
खराब कर देते हैं। किसी तरह थाली बजाकर भगाने की कोशिश होती है और फिर सरकार की ओर से कीटनाशकों वगैरह का छिड़काव होता है, लेकिन इनकी रोकथाम पूरी तरह संभव नहीं हो पाती है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से टिड्डी दल का आक्रमण होता है खेतों पर और लोग इस तरह से बैंड बजाकर थाली बजाकर आवाज़ शोर करके इन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। जाहिर है ये कोई उपाय नहीं है, ऐसे में कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, कुछ हद तक बचाव उससे ज़रूर होता है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है या होता है उसके सामने ये जो कोशिशें हैं वो काफ़ी कमज़ोर साबित होती हैं और न जाने कितने बड़ी तादाद में फसलों को ये टिड्डी चट कर जाते हैं। किसानों को काफ़ी नुकसान होता है, उनकी लंबी मेहनत बेनतीजा रह जाती है। और स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।